अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस फ्रॉम इनक्रेडिबल गुजरात। दोस्तों सेकंड विजिट है मेरा मिर्ज़ा गोट फार्म पर, और आपको मिलाने जा रहा हूँ ये फार्म की जान शान, मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हैदराबादी ब्रीडर भी बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, माशाल्लाह। लास्ट टाइम भी जब मैं वीडियो बनाया इसकी, हैदराबाद वालों ने भी काफी तारीफ की है। जी माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े उस्तादों ने इसके बारे में पूछा मेरे को। जी माशाल्लाह, तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है भाई, और आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जी जी माशाल्लाह, जब से अब तक चेंजेस भी अच्छे हैं। हाँ माशाल्लाह, उसके बाद तो कान भी काफी लेंथ बढ़ी है और हाइट भी माशाल्लाह काफी बढ़ाई है, पॉजिटिव चेंजेस है। जी माशाल्लाह, जो लाइन की अगर बात करूँ, इसकी लेंथ देखेंगे जी, बाकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो लोग दीवाने हो जाएंगे। जी माशाल्लाह, पंच फेस देखे आप माशाल्लाह, और सिर्फ माशाल्लाह बोले आप लोग, अल्लाह इसको नजरबद से बचाए। दोनों सिंह मार्बल है जी, गुलाबी पन का राजा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को, क्या डिटेल पे है आज? अभी ये चार दांत पे है आसिम भाई, और लास्ट टाइम हम जब वीडियो बनाए थे दो दांत पे, दो दांत पे था, अभी चार दांत पे। इसके 23 प्लस कान है और 44 प्लस हाइट है इसकी। ये क्या लाइन से आता है? ये आजाद लाइन से आता है, अनबिलीवेबल। 44 प्लस की इसकी हाइट आप बोल रहे हैं जी, है ना? पंच फेस, तिरछी आंखें, मार्बल सिंह, कान की साइज आ रही है 22 नहीं 23 प्लस, 23 प्लस, सॉरी 23 प्लस जी। ये भी एक रिकॉर्ड है अपने अंदर, क्योंकि ये जो एज है इसके अंदर इसकी 23 प्लस है। आप जब लाए थे तो क्या उम्र का था ये? मैं 3.5 महीने का लाया था, तब शायद उसके 15.5-16 कान थे इसके। आपने इतना सोचा था कि ये? नहीं, मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि इतनी क्वालिटी में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ गया वो। क्या बात है, आगे और क्या उम्मीद रख रहे हैं आप इससे? बस इंशाल्लाह 24 प्लस कर जाए, इतनी उम्मीद है। सही है, इंशाल्लाह हो जाएगा, दुआ करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह चलेगा। तो देखिए अभी ये तो इनका मेन ब्रीडर है, इनकी जान है, ठीक है? तो ये तो सेलिंग के लिए नहीं, और इसके लिए फोन ना करें आप जी, पर इससे लोडेड बकरियां या बच्चे इसके वो आप मांग सकते हैं भाई जी, सही है, ठीक है? वो ही दे पाएंगे, इसके लिए तो बिल्कुल फोन करें ही नहीं, बिल्कुल, है ना जी भाई? ये तो काफी लोग समझते ही नहीं वो बात को, सही है, और उसमें परेशान रहते हैं। तो ये चीज अलग है दोस्तों, है ना? मतलब घोड़ा भी फेल है इसके सामने, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बांध देते हैं अभी, और क्या दिखाएंगे इससे? लोडेड फीमेल दिखाते हो कि बच्चे दिखाते हो? हाँ, इससे लोडेड फीमेल भी दिखाएंगे और कुछ बच्चे हैं। बीच में दिखाओ तो, रैंडम रखते हैं आज, ठीक है? ठीक है, नहीं तो लोग थोड़ा बोर ना हो। जिसको बच्चे अच्छे वो भी पूरा वीडियो देखो, जिसको बकरी चाहिए वो भी पूरा वीडियो देखो जी। एक दो बकरी दिखाएंगे, एक दो बच्चे दिखाएंगे, ऐसा सही है, ठीक है, चलेगा। इसको बांध देते हैं भाई, ला दो। तो दोस्तों शो बिगिन करते हैं हम लोग माशाल्लाह, और सबसे पहले ये फीमेल दिखा रहे हैं। ये फीमेल के बारे में बताइए मुन्ना भाई। ये फीमेल प्रिंस लाइन से आती है, प्रिंस अपना जाफर चाचा जी, उस लाइन से है ये फीमेल, बराबर। और इसके अभी 18.5 यानी 18 प्लस कान है और 8 चकलान है इसकी, ठीक है? ये बकरी आपने लाए थे और अपन ने इसको यही लोड करा जी, इसे अपने आजाद से लोड करवाए थे, और माशाल्लाह इसका रिजल्ट भी आया है, और उसने एक मेल बच्चा डाली है पहली बार में। तो ये आजाद का पहला रिजल्ट है, इससे पहले भी रिजल्ट आ? नहीं, ये पहला रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट जी। तो दोस्तों आइए और पहला रिजल्ट आपको दिखाते हैं, लाइए भाई। खड़े हो जाओ तुम, पूरी फैमिली देख सकते हैं एक ही फ्रेम में, माशाल्लाह। ये नर बच्चा है, मेल बच्चा है जी, मेल बच्चा है। पंच देखो आप, हालांकि बकरी में भी उतना पंच नहीं है। हाँ भाई, इधर पे खड़े, फिर भी बच्चे के अंदर पंच देखे आप लोग, एकदम राउंड फेस के अंदर, बहुत शानदार, पूरा व्हाइट गुलाबी में है और पीछे पूरा पूरा गुलाबी है, बहुत भारी कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे के अंदर, समझने वाले ही समझ सकते जी। मस्त सिंग विंग भी इसके मार्बल है आसिम भाई, और अच्छा बनने वाला बच्चा दिखता है। हाँ, बहुत उम्मीद रहेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आगे चल के क्या होता है। तो ये बच्चा और ये बकरी देने में रहेगी कि नहीं? देखो नहीं, बकरी तो नहीं देने की, अगर कोई अच्छा शौकीन होगा तो इंशाल्लाह बच्चा देंगे, बच्चे के लिए बात कर सकते हो जी, है ना? जी ठीक है दोस्तों, आप ये भी समझे कि ये मतलब बहुत ही उम्दा लाइन से है, तो वो हिसाब से फोन करें, ठीक है? इसका रेट आपको फोन पे बता दिया जाएगा। बकरी नहीं देनी है, ये बच्चा अगर किसी को चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
क्या उम्र हो गई इसकी अभी? अभी एक महीना और ऊपर 10-12 दिन हुए। एक महीना और 10-12 दिन हुए। चलेगा, तो ये बच्चे के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट करें और भी बच्चे दिखाते हैं जी, दिखाएंगे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों सेकंड बच्चा दिखा रहे हैं भाई, ये नर में है कि मादी है? ये फीमेल है। फीमेल में, और वो अजवा की डायरेक्ट बेटी है ये। अजवा की डायरेक्ट बेटी है जी। सही, अपने यही पैदा हुई थी? नहीं, मैं इसको खरीद के लाया था जी, जब एक महीने की थी। अभी माशाल्लाह 3 महीने के करीब है। सही है, थोड़ा सा इसका चेहरा दिखाइए आप, ये देखो आप माशाल्लाह। इसकी एज अभी कितनी है? 3 महीने। 3 महीना और ऊपर कुछ दिन है बस। सही, ये सेलिंग के लिए है जी, है ना जी। गुलाबी बच्चे देख सकते हैं आप लोग, एज अ ब्रीडिंग सेटअप के लिए कोई लेना चाहता है तो बात कर सकता है। देखें आप लोग, कान कितने आ रहे हैं मुन्ना भाई इसके? इसके मैंने नापे नहीं है, लेकिन 15 के करीब आ रहे हैं हसीम भाई। 15 के करीब आ रहे हैं जी। चलेगा, तो जिसको भी लेना होगा इंशाल्लाह आपसे कॉन्टेक्ट जी, इंशाल्लाह। ठीक है, ये अभी हम लोग मेल फीमेल का जोड़ा देख रहे हैं जी। और जो भी चीजें देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बहुत लक्की है हम लोग कि हमको यही ऐसी क्वालिटी मिल जा रही है। नहीं तो जैसे हैदराबाद से भी अगर मंगाई जाए वगैरह, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है बाज मरतबा जी। ये तो कैसा है, आपके होम ब्रीड में गुजरात के अंदर ऐसी क्वालिटी प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे भाई लोग, क्या बात है। ये अपने घर की ब्रीड है ना भाई? हाँ, ये मैं लोड बकरी जो लाया था ताज बकरे से, उसी उसके बच्चे हैं दोनों। और ताज भी बहुत मतलब बड़ी लाइन से, बड़ी लाइन से ताल्लुकात रखते हैं ना। सही है। थोड़ा सा मैं बता दूं और भी के ये जो लाइन है इसने काफी नाम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह जी। सही है, ये मेल फीमेल का जोड़ा है जी, है ना। क्या उम्र होगी इनकी अभी? ये जो मेल है उसकी उम्र 3 महीने के करीब है, और ये 2 महीने के करीब है। ये 2 महीने के करीब जी। कान भी देख लो आप लोग, ठीक है। कान की साइज तो सामने ही है, आप लोग भी देख सकते हैं जी। पर अराउंड होगी 14-15 है भाई? हाँ, होगी इतने इंशाल्लाह, 14 के आसपास है ये। 14 के आसपास है जी। दोनों की मार्बल सिंग है जी। ये भी एक बहुत अच्छी चीज देखने मिल रही है, हैदराबादी के अंदर मार्बल सिंग देख रहे हैं आप दोनों। और गुलाबी बच्चे हैं, कलर बहुत कम है, चेहरा भी अच्छा है बकरी का। तो ये जोड़े में ही देंगे कि सिंगल सिंगल? नहीं, सिंगल भी दे देंगे, कोई बात नहीं। सिंगल सिंगल भी दे जी देंगे। तो ये जिसको भी चाहिए इंशाल्लाह मुन्ना भाई से कांटेक्ट करें, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएगी, है ना जी। और इनके जो भी रेट रहेंगे फोन पे अपन फोन पे बताएंगे इंशाल्लाह जी। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ, उससे पहले थोड़ी देर ब्रीडर देखो आप, अभी क्वालिटी देखो। काले दोनों ऑब्लक ले लो, दोनों ऑब्लक। तो दोस्तों बहुत उम्दा, 3 बच्चे एक जैसे कलर के दिखा रहे हैं भाई। ये भी अपनी होम ब्रीड है भाई। ये जो इससे पहले जो फीमेल बताई ना, उसका सगा भाई है ये, अजवा का बेटा है डायरेक्ट। अजवा का डायरेक्ट बेटा जी। तो ये वाला बच्चा आपने बाहर से परचेस किया? जी, परचेस किया। और ये दोनों जो पीछे वो जो मैंने गाभिन बकरी ली थी उसके बच्चे? सही है, अपनी अपनी क्वालिटी के बच्चे है माशाल्लाह, और लाइन वाले बच्चे है जी। तो एक एक करके दिखाते हैं हम लोग, पहले मेल बच्चा ही देख लो आप लोग, कलर देख लो आप। ये बच्चों के लिए नॉर्मली काफी लोग फोन भी करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह जी। एक सिर्फ अंदाजा लेना चाह रहा हूँ कि क्या रेट से स्टार्ट होता है, ताकि लोग वो हिसाब से फोन करें आपको। 40 से स्टार्ट होता है आसिम भाई। मतलब ऐसे अच्छे बच्चे लाइन वाले 40,000 से मिल जाते स्टार्ट होते, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी और ट्रस्टेड, मतलब ट्रस्ट कर सकते हो आप जी, आराम से जहाँ इजीली ले सकते, पूरी इंडिया में कहीं पे भी होगी पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। चलेगा भाई, सेकंड दिखा दो भाई के हाथ में। ये फीमेल में? ये फीमेल है जी, एकदम राउंड फेस के अंदर है, कलर वगैरह काफी अच्छा है। और ये एक और मेल देखो आप, व्हाइट आईज के अंदर है, गुलाबी नोज है। छोड़ो इसको भी भाई, छोड़ दो। तो 3 बच्चे एक साथ दिखाए हम लोग ने जी, ठीक है। और बच्चे दिखा रहे अभी के बकरियां दिखाएंगे? अभी बकरियां दिखाएंगे आसिम भाई, अभी बकरियां देख लेते दोस्तों। तो मुन्ना भाई एक एक करके बकरियां दिखाएंगे हम लोग जी। इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे लोग सब जानते हैं ब्रीडर को जी। कितने लोगों ने इसके बच्चे या लोडेड बकरियां मांगे आपसे? मेरे पास काफी लोगों ने मांगे हैं, लेकिन बकरी मैंने सिर्फ एक ही अभी एक दोस्त को ही दी है, और किसी को नहीं दी है लोडेड बकरी। मतलब आप देना नहीं चाह रहे हैं कि लाइक आप चाहते हैं आपके लोग भी इसका फायदा उठा पाए? हाँ, कुछ बकरियां करेंगे सेल, यानी सारी तो नहीं, लेकिन कोई एक दो बकरी किसी अच्छे अच्छा कस्टमर होगा और अच्छी डिमांड होगी तो देंगे इंशाल्लाह। मैंने तो हैदराबादी बकरियां बहुत देखा हूँ, वीडियो भी बनाया हूँ बकरों के भी। ये बकरा जो देख लेगा ना, फिर उसके आगे उसको कोई पसंद नहीं आएगा इंशाल्लाह जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जी। और
नजरें नहीं हटेंगी इंसान की ये बकरे को देखने के बाद, माशाल्लाह। लेकिन अगेन हम उतने तो खुश नसीब नहीं है कि हम सबको ये बकरा मिल जाए, वो तो फिलवक मुन्ना भाई है, लेकिन एक चांस तो बनता है, ठीक है, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है। ऐसा नहीं है कि इसका हर बच्चा इसके जैसे ही आएगा, हाँ सही बात, ये भी जरूरी बात नहीं है, सही बात, पर एक चांस तो लेना ही पड़ेगा अपने, बेशक। तो अगर किसी को चांस लेना है तो ये मौका है कि कुछ बकरियां जो इससे लोडेड है वो हम लोग बताएंगे और सेलिंग की बात करेंगे जी, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये बकरी है पहली, हाँ। पहले बकरी के बारे में बताइए आप, लाइन के और इसके क्या डिटेल। ये बकरी भी प्रिंस लाइन से आती है और जाफर चाचा वाली प्रिंस, हाँ। और इसके इसके भी 18 के करीब कान है, यानी 18 से थोड़े कमी है तो 17.5 पकड़ो, 17.5 पकड़ते हो, हाँ। व्हाइट आईज है, हाँ। राउंड चेहरा है जी, ठीक है, कान खुले हुए अच्छे, बिल्कुल खुले हुए माशाल्लाह, और पूरी गुलाबी है, और थन वगैरह सब परफेक्ट, सब परफेक्ट है। लास्ट टाइम भी मैंने एक बात बोला था कि आपकी बकरियां सब हेल्दी हैं, हाँ माशाल्लाह, वो चीज देखने मिलती है आपको, जी जी चलेगा। और कलर पूरा व्हाइट है, ना के बराबर ब्लैक आएगा, 5% या उससे भी कम जी, ठीक है। तो ये पहले बच्चा दे चुकी है आपके यहाँ, हाँ मेरे यहाँ इसने 2 बच्चे दिए थे, यानी 2 बार 2-2 बच्चे दिए, और दोनों बार इसके माशाल्लाह बच्चे सेल हो गए, अभी के बच्चे भी थे वो सेल हो गए, और अभी ये 1 महीने की लोड बकरी है, 1 महीने की लोड बकरी है जी, है ना, और ये कन्फर्म लोड बोल के, कन्फर्म लोड इंशाल्लाह चलेगा। तो दोस्तों कंफर्मेशन के साथ देंगे, बकरी के रेट के लिए आप मुन्ना भाई से संपर्क करें, ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगी। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये वीडियो बनाने मेरे को बुलाए है या जो भी है, लेकिन इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद है बकरा, मैं आपको बोल सकता हूँ कि हैदराबादी में वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडर है माशाल्लाह, चलेगा। तो इसकी लाइन चाहिए अगर आपको तो मुन्ना भाई से कॉन्टेक्ट करें। थोड़ा छोड़ो बकरी को भाई, छोड़ दो, चल बेटा, नेक्स्ट बकरी दिखा दीजिए जी। तो आपने इसके लिए कितनी बकरियां जमा की थी? मेरे पास अभी फिलहाल 16-17 बकरियां हैं, जो उसमें से सिर्फ 2 या 3 है अभी बाकी है, मतलब जिन्होंने अभी मैंने घाप बकरियां ली थी और जिसने बच्चे दिए वो अभी खाली है, बाकी सारी इससे लोड है अल्हम्दुलिल्लाह। पर आप सब बकरी तो नहीं बेचोगे? नहीं सब नहीं बेचे, तो आप शायद रखोगे ना, क्योंकि आपको भी इसका प्रोडक्शन सही है देखना है कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा जी, ठीक है। तो कुछ बकरियां जो इससे लोडेड है वो हम दिखा रहे हैं, जो देनी है जी, जो नहीं देनी वो भी दिखा देंगे शौक के हिसाब से, सही है, लेकिन उनके लिए फोन ना करना फिर, ठीक है। अब ये बकरी आपने क्यों चूज करके ली थी, थोड़ा ये बताएं पहले, मैं ये लाइन के बारे में बताएं। अच्छी लाइन से बकरी आती है आसिम भाई ये, और चेहरे की भी है, और जो अजवा के 2 बच्चे आगे दिखा है ना वो इसी के बच्चे, ये अलग कलर में लेकिन फुल व्हाइट, अजवा के थ्रू जो ब्रीड लाइन आई थी 2 बच्चों की उनकी मदर है, इनकी मदर है, और ये आने के बाद में बच्चे दी वो, हाँ, और अब ये अभी लोड हो गई, लोड हो गया, ये एक कम 1 महीने से ऊपर की लोड है ये, और कंफर्म लोड बोल के देंगे तो कंफर्म ही है। मैं एक बहुत ही, आप, मैं ना एक्चुअली बोर के जंगल जाके आ रहा हूँ 2 दिन पहले अभी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत जरूरी है, हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हाँ लोड तो हुई है पर मालूम नहीं, फिर आदमी क्या विश्वास से खरीदेगा ये बताओ ना, सही लोग क्या करते हैं मालूम भाई जी, उन लोग खर्चा करके सोनोग्राफी करा रहे हैं, हाँ यकीन मानो आप, मैं तो अभी आया 2 दिन, सही है, और रिपोर्ट के साथ दे रहे, बाकी कुछ हुआ तो अल्लाह की मर्जी, बेशक, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरे क्लियर है जी। तो ऐसा हमको भी आई थिंक करना चाहिए, हाँ हम भी कंफर्म, महंगी ब्रीड है, कंफर्म बोल के देंगे तो पूरी गारंटी के साथ देंगे, कंफर्म तो कंफर्म, मतलब चलेगा चलेगा, ये बकरी देनी है दोस्तों, और 1.5 महीने ना, हाँ 1 महीने और कुछ दिन की लोड है, चलेगा। फोन करें आप हमारे मुन्ना भाई को, ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगी दोस्तों। अबे वेरी वे पगला बोबी, एक और बहुत खूबसूरत बकरी है माशाल्लाह, कलर देखो ना आप, अबलग के अंदर आएगी ना मुन्ना जी, अबलग पंच फेस के अंदर, अबलग है, अच्छी लाइन से, और कंफर्म 2.5 महीने की लोड है ये, और कान भी जड़ से खुले, कान भी जड़ से खुले और खुले पत्ते जैसे एकदम कान है। ये जो बकरियां जो लोडेड है जी, ये अपने बकरे से आजाद, आजाद से ही लोड है, सेकंड टर्म की बकरियां है, मतलब एक पूरा रिजल्ट आप ले चुके हो, हाँ। बच्चे का के पहली बार ले रहे हो? नहीं, ये आजाद का रिजल्ट तो पहली बार ले रहे हैं इसके ऊपर, अच्छा। और मैं इनके ऊपर नहीं, एक ओवरऑल, हाँ इन जनरल, हाँ, मतलब पहले बैच की बकरी है कि सेकंड बैच की? ये सेकंड बैच थर्ड बैच की ऐसी बकरी, अच्छा, है ऐसी सब बकरी जी, हाँ। चलेगा। तो पहले आप रिजल्ट देख चुके हो बकरियों का जी जी, वो हिसाब से आप इनके, इसके बकरे, इसने जो बच्चे दिए थे एक मेल और एक फीमेल दिया था, वो सेल हो गए बहुत माशाल्लाह, अच्छी क्वालिटी में पंच फेस में बच्चे डालती है ये भी, वो एक्चुअली देखना बहुत जरूरी है जी, क्यों पता है कि अपना ब्रीडर इतना अल्हम्दुलिल्लाह अनमोल है कि कुछ गलत बकरी पे अपन उसका रिजल्ट लेने गए तो प्रॉब्लम ना हो जाए, सही बात, ये भी देखना पड़ेगा, सही बात, अच्छी बकरियों पे रिजल्ट लेंगे तो बहुत और अच्छा रहेगा जी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने महीने की लोड है? ये 2.5 महीने की कन्फर्म लोड है, 2.5 महीने की कन्फर्म लोड है जी, चलेगा। तो ये अगर किसी को भी चाहिए तो दे देंगे अपन जी, है ना।
बकरियां सब हेल्दी है ये बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इनके यहाँ पर जो भी बकरी आप देखोगे ना सब अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी बकरियां। तो ये बकरी के बारे में डिटेल बताइए भाई। ये बकरी मेरे घर पे 3 बार बच्चे दिए और माशाल्लाह तीनों बार बहुत नायाब बच्चे दिए। आपके बहुत ओल्ड लाइन की संभाली हुई बकरी है। संभाली हुई बकरी है, इसका रिजल्ट बहुत भारी है। अभी इंशाल्लाह आगे वीडियो में इसका एक मेल बच्चा जो मैंने रोक के रखा है वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। इसका एक मेल बच्चा जो आप आगे के लिए इसको रखे हो, आप रोक के रखा है, ठीक। और अभी फिलहाल ये अपने आजाद से लोड है, आजाद से लोडेड है और ये 3 महीने से ऊपर की लोड है, तो मतलब बहुत जल्दी बच्चा देगी, बच्चा देगी, बाद में सब बकरियां देंगे जी, है ना। तो सबसे पहले इसी पे आएगा इसका अगला बच्चा इंशाल्लाह। अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है। हाँ इंशाल्लाह देखेंगे, अच्छा शौकीन होगा और अच्छे रेट में होगा तो इंशाल्लाह देंगे, वरना इसका इरादा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बहुत माशाल्लाह नायाब देती है। ये भी एक बात है ना कि बच्चे भी नायाब देती है और 2-3 बार आपके यहाँ ब्याह चुके हैं जी, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर रिजल्ट आप ही खुद देखें इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई सही में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टेक्ट कर सकते, छोड़ दो भाई जी। ये एक और अबलक कलर ही बोलूंगा मैं जी, अबलक कलर की बकरी, कान अच्छे हैं इसके माशाल्लाह। ये टाइगर लाइन से आती है, टाइगर लाइन से जी, टाइगर लाइन बहुत अच्छी लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाइट आइस के अंदर है। इसने 2 बार अपने वहाँ बच्चे दिए, अभी फिलहाल 2 महीने की लोड है ये, और ये भी कंफर्म लोड बोल के कंफर्म लोड है ना। ये आजाद से ही लोड, आजाद से ही लोड है अपने पास। आसिम भाई एक ही ब्रीडर है, इसके अलावा और कोई ब्रीडर है ही नहीं, और एक तैयार हो रहा है, एक तैयार हो रहा है अभी, वो अभी सिर्फ 9-10 महीने का बच्चा है। आप बहुत अच्छे से देखते हो कि बकरियों की तैयारी कैसी हो रही है, उसका एक जीता जाता उदाहरण ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बकरे की भी तैयारी आपने बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई। अगर ज्यादा वेट भी ले लेता तो भी प्रॉब्लम्स होते जी, लेकिन बहुत नपातुला है अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो ये बकरी भी दोस्तों लोडेड है जी, 2 महीने बोले आपने, 2 महीने की लोड है ये। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो ये बकरी इंशाल्लाह दे देंगे ठीक है। चलिए अभी आपके बकरे के अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, वो दिख भी अच्छा रहा है। तो सवाल ऐसा था मेरा, आप बकरी खरीदने के टाइम पे क्या क्या गुण देख रहे हो उसके अंदर? लाइन देखती है लेते हैं ना आसिम भाई, मेन लाइन पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब कुछ और गुण जैसे कान थोड़ा चल जाते हैं छोटे कान, हाँ छोटे कान हो तो ले आएगा, ऐसा कुछ सोचते हो आप? छोटे कान अगर बकरी के है तो चल जाते हैं, लेकिन कान साफ होना चाहिए, खुला होना चाहिए, बस चिंटी रिंकल नहीं होना चाहिए सही बात, खुलापन होना चाहिए जी, जड़ से खुला होना चाहिए। पिछली बार इसका वीडियो बनाया था, उसके बाद इसने 2 बच्चे माशाल्लाह डाले, दोनों नर बच्चे, तो जो सेल हो गए काफी माशाल्लाह, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने बड़े से बड़े उस्तादों से एक्चुअली इंटरव्यू किया हूँ, हर एक आदमी यही बोलता है, बड़े से बड़ा उस्ताद जी, बस लाइन सही बात, हम काली पीली नीली कुछ नहीं देखते जी, सही बात है, बस कौन है इसका दादा, इसका बाप, परदादा, पेडिग्री पे काम करो तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे, सही बात है। और हम भी वही सीख के आए हैं आगे। अभी तो ये बकरी देखो आप, कितने महीने की लोडेड है? ये भी 3 महीने की लोड है, 3 महीने में कुछ दिन कम है आसिम भाई, मतलब ये भी बहुत जल्दी बच्चे देगी इंशाल्लाह, जल्दी बच्चे देगी। इसने आपके यहाँ पहले भी बच्चे दे चुकी है? पहले भी मेरे पास 1 बार बच्चे दे चुकी है। मतलब भाई क्या ये फॉर सेल है, कोई मांगे तो? हाँ अगर अच्छा शौकीन आदमी होगा और अच्छे तो इंशाल्लाह दे देंगे। तो लोगों के लिए ऑप्शन भी है, मतलब हम 1-2 बकरी तो नहीं दिखा रहे, ज्यादा बकरी दिखा रहे जी। अगर किसी को भी ये लाइन चाहिए तो वो ये बकरियों के लिए कॉन्टेक्ट कर सकता है। क्या बात है माशाल्लाह, बोलो आप लोग भी बहुत नायाब, हम तो स्टंट हो गए देख के, बकरा भी एकदम से रुक गया उसको देख के, खूबसूरती देखो आप माशाल्लाह। ये अभी रिसेंट में लाया आपने भाई? जी अभी मैं 2 महीने पहले जब हैदराबाद गया था तब लिया ये मैंने, जब हम लोग मिले थे अभी के उससे, हाँ ना बस उसी टाइम पे जब हम लोग मिले थे ना उसी टाइम पे। तो ये बकरी रिसेंट में 2 महीने हो गए आके जी, क्या लाइन की है भाई थोड़ा? ये कमांडो लाइन की बकरी है, कमांडो। अच्छा हमारे भाई के यहाँ पर सलीम भाई पठान के वहाँ से लिए, सलीम खान के पास, बहुत अच्छी लाइन पे काम करते हैं जी। क्या बात है, कमांडो लाइन की है। इसके 21-8+ कान है, 8.5 कान है, 21 इसकी लंबान है जी, और 8.5 की चकलान है जी, एलिफेंट ईयर्स भी बोल सकते हो क्योंकि 8.5 इसकी चकलान हो गई है। तो ये आप लाए तो खाली लिए थे? मैं खाली लिया था, उनके पास खाली थी तो मैं खाली बोल उनको बराने का बोलते थे, लेकिन मैंने मना किया, अपने आजाद से अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की लोड हो गई है। ये बहुत बड़ी बात रहेगी कि फुल नासी बकरी, लेकिन लाइन वाली बकरी पे जी आजाद का रिजल्ट क्या आएगा इंशाल्लाह, है ना। सबसे ज्यादा उत्सुक तो आप ये बकरी के लिए रहोगे जी, सही है, मेरे को ऐसा लगता है, सही बात, जो रिजल्ट आएगा वो फिर देखने लायक रहेगा, सही है। तो ये तो आप आई थिंक नहीं सेल करोगे? नहीं ये सेल के लिए नहीं, मतलब भी नहीं है क्योंकि आप अभी तो लाए हैं रिजल्ट के लिए, तो उसको देखने के लिए तो लाए कि क्या रिजल्ट देती है, अपने इसके हिसाब से लाए उसको। तो दोस्तों आजाद का रिजल्ट इसके ऊपर क्या आएगा
वो इंशाल्लाह बस अल्लाह सब खैर का मामला करे, जरूर देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। छोड़ो इसको जी। कई माशाल्लाह बहुत अच्छी बकरियां भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह यंग एज की बहुत जी। ये जैगवार लाइन की है, जैगवार लाइन की अदंत पार्ट मैंने मंगाई थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह दो दांत पे हुई है और डेढ़ महीना एक महीना और कुछ दिन हुए अल्हम्दुलिल्लाह लोड हो गई है। ये भी अपने आजाद आजाद से ही लोड है जी। अभी जो भी बकरी आप देख रहे हो ये आजाद से ही, सब बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह आजाद से ही लोड है और दूसरा ब्रीडर अपने पास है ही नहीं। आसिम भाई चेहरा बहुत पंच है इसका जी, माशाल्लाह ये बकरी बहुत फ्यूचर वाली बकरी है इंशाल्लाह जी। तो ये फॉर सेल नहीं है ना? नहीं नहीं सेल के लिए रखेंगे, देख के मालूम पड़ता बहुत अलग चीज है। सही है, इनको जब छोटी थी मतलब 6-7 महीने की थी तो ली थी इसीलिए कि कुछ रिजल्ट लेके उसके बाद फिर इंशाल्लाह देंगे, और आदमी का भी शौक हो जाए उस हिसाब से। सही है, तो पहला रिजल्ट लेंगे इंशाल्लाह फिर आगे देखते हैं जी। माशाल्लाह दोस्तों ये एक और बकरी देखे आप, ये भी आपने परचेस की बात? नहीं, ये अपनी जो आगे जो बकरी दिखाई ना टाइगर लाइन की, उसकी बेटी है ये, जब मैंने उसको घाव ली थी, यानी ये भी टाइगर लाइन की है। अच्छा, और क्या पैदा हो गई? मेरे यहाँ पैदा हुई, इसने एक बच्चा डाला आसिम भाई, बहुत माशाल्लाह नायाब बच्चा था, लेकिन जिस वक्त हम लोग हैदराबाद में थे ना उस टाइम के ऊपर इसने बच्चा डाली और कुछ मिस्टेक की वजह से वो बच्चा मतलब एक दूसरे ही दिन मतलब फौत हो गया वो, लेकिन बहुत नायाब बच्चा डाला था इसने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किससे लोडेड थी वो टाइम पे? उस टाइम के ऊपर अपने एक दोस्त का ये था ताज फारूक भाई का, बराबर फारूक भाई, उससे लोड थी। सही है, क्योंकि उसके अभी दो दांत नहीं हुआ था अपना आजाद, इसलिए उसको लोड नहीं करवाए थे। सही, और ये भी एक बात है कि आपने ना इसको यूज करने में बहुत जल्दबाजी नहीं की है, जल्दबाजी इसके लिए वो रिजल्ट भी इसके अंदर देखने मिल रहा है बकरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लुक्स के अंदर माशाल्लाह। तो ये बकरी अभी कंफर्म लोडेड है? कंफर्म लोड है। और कितने महीने की लोड है ये भी? 2 महीने की है। सही, और ये भी अपने को देना है इंशाल्लाह, अच्छा शौकीन होगा तो दे देंगे इंशाल्लाह। दोस्तों 2 महीने की लोडेड है आजाद से, जो भी इंटरेस्टेड हो कॉन्टेक्ट कीजिए। गुलाबी पन है बकरी में, अबलग कलर है और काफी शानदार बकरी है माशाल्लाह। चलो, ये बहुत परफेक्ट बकरी लग रही है मेरे को आजाद के लिए जी, क्योंकि बकरी की भी लेंथ बहुत ज्यादा है। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा फ्रेम है देखो आप लोग जी। ये आसिम भाई ये रेनबो लाइन की बकरी है, मैंने इसको मंगाया था जब घाप थी और रेनबो से ही घाप थी, इसका रिजल्ट है रेनबो का, इसके दोनों बच्चे है ये। कोई अल्फाज ही नहीं है भाई, क्या बकरी है वो। इसके माशाल्लाह कान एकदम पत्ते की तरह खुले हैं, कान देख के तो लगता है कि मतलब ना जैसे सेलोटेप लगाया हुआ है पीछे। जी जी जी, एलिफेंट ईयर्स बोल सकते नहीं, ये है एलिफेंट फेस जी। इसके 19-8 कान है आसिम भाई, और रिजल्ट आपके सामने है देखो, ये इसका बच्चा है और ये भी इसका बच्चा है, बहुत उम्दा, पूरे पंच फेस के अंदर बच्चे डालती है और कान भी माशाल्लाह साइज भी बड़ी अच्छी देती है ये। तो ये दोनों नर बच्चे हैं? जी दोनों नर बच्चे हैं, एक नासी अबलक में एक अबलक में। हाँ जी, देने में है भाई ये? कोई अच्छा कस्टमर होगा, अच्छा शौकीन होगा तो देंगे, लेकिन फीमेल तो नहीं देनी है अभी फिलहाल, इससे लोड कराई है लेकिन कंफर्म नहीं हुई है अभी फिलहाल, क्रॉसिंग हुआ है लेकिन कंफर्म। बच्चे दोगे आप? बच्चे देंगे इंशाल्लाह, दोनों नर बच्चे हैं जी। एक हाइट साइज में बड़ा एक छोटा है, वो होता है कि दूध दूध थोड़ा कम पीता है उस हिसाब से, ये थोड़ा एग्रेसिव होगा शायद जी, उससे वाला होगा जी, तो उसके वजह से उसको कम दूध मिलता जी। बच्चे के भी कान देखो आप, एकदम इसकी माँ की तरह खुले कान है माशाल्लाह, और इसके भी ऐसे ही कान है, बस वो दूध में थोड़ा ग्रोथ उसका कम हुआ है, समझ रहा हूँ उस हिसाब से थोड़ा दिख रहा है आपको ऐसा। तो बच्चे सिंगल सिंगल भी दे दोगे ना? दे देंगे इंशाल्लाह, तो जोड़ी में मांगेगा जोड़ी में मांगे, जोड़ी में दे देंगे इंशाल्लाह। ये बकरी नहीं देनी है, ये दो बच्चे जो है उसके वो देने। आ जाओ आइए लाओ। ये बकरी के कान बहुत लंबे माशाल्लाह, अच्छे कान है, कलर भी अच्छा है इसका जी, यूनिक कलर में। हाँ भाई जी, क्या साइज आ रही है इसकी? इसकी 19+ कान आ रहे हैं आसिम भाई, और 8 चकलान आ रही है, और एज में भी कम दिख रही है। हाँ अभी दो दांत पे है ये, दो दांत पे जी। तो इसका रिजल्ट अभी मतलब गाबन है कि कैसे है? अभी अपने आजाद से लोड है, कंफर्म 3 महीने की लोड है ये भी, 3 मंथ्स की कंफर्म लोड है जी। तो एक बहुत अच्छा मौका है, अगर ये सेल करेंगे आप भाई, देखेंगे इसके बारे में सोचेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं आसिम भाई जी, थोड़ा सोच लो, अचानक स्क्रीनशॉट आएगा तो बोलना पड़ेगा। नहीं इंशाल्लाह देख बता के बोलेंगे इंशाल्लाह। सही है, क्या फिर क्या लोगों को में भी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जी जी जी, है ना जी, उम्मीद से बेचारे देखते हैं वीडियो। सही तो है दोस्तों, आप फोन करें इंशाल्लाह,
भाई एकदम क्लियरली बता देंगे आपको देना है नहीं देना है और कितने में देना है ये बात भी बता देंगे। 3 महीने की लोडेड है जी, पकड़ी लेना है तो ले जा पहली बाजू। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होम ब्रीड है भाई। नहीं ये अंबर की बेटी है, जस्ट अभी 3 महीने पहले मंगाया हूँ, अंबर की डायरेक्ट बेटी है ये। बहुत अच्छी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसेस जैसी दिखती है जी। क्या बात है, सब पॉइंट्स है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसके 17+ कान है, यानी 18 के करीब है लेकिन 17+ ही बोलेंगे। अंबर की डायरेक्ट बेटी है, डायरेक्ट बेटी है, बहुत उम्दा है माशाल्लाह। और अपने आजाद से भी लोड हुई है, 1 महीना और ऊपर कुछ दिन हुए। और ये क्या अदंत है, दो दांत है? अभी नहीं अदंत ही है ये, अदंत जी बिल्कुल अदंत है ये। आपको नहीं लगता आपने इसको थोड़ा घाई कर दी? वो अपने आप हो गई उस हिसाब से, तो मेरे को सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पता चला कि ये हो गई है ऐसा, मैंने कराने का इरादा भी नहीं था। सही है, दो दांत के करीब हिसाब से बकरी ग्रोथ ले रही है ना जी, ये बहुत आगे जाने वाली लग रही है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हर पॉइंट से इसके अंदर अल्लाह के साथ जी। तो ये देने में है कि नहीं? नहीं ये नहीं देने की है। चलेगा, चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों बहुत नायाब चीज दिखा रहे हैं और ये शो क्वालिटी के लिए दिखा जी, शो क्वालिटी के लिए, लोगों का शौक बढ़े और हम बता पाए कि माशाल्लाह क्या क्या कलेक्शन हमारे पास है। तो ये बकरी आपने जो लास्ट ट्रिप में ली थी जी, अभी मैं हैदराबाद गया था उधर से लाया, हमारे एक दोस्त है मजहर भाई जी, उनके पास से ये बकरी मैंने ली है। इसका नाम अप्सरा है और इसके कान 19+ है और 8.5 की चकलान है इसकी, बहुत उम्दा चकलान है जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कान भी एकदम खुले है, कोई टेप वेप लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल माशाल्लाह। बहुत सारे बकरियों के आपके मैं कान देख रहा हूँ जी, अच्छे जाड़े कान मतलब मोटे कान की जी बकरियाँ, पूरी गुलाबी बकरी है माशाल्लाह। हमारे वो कौन से लाइन से आती है? ये ओल्ड आजाद लाइन से ही आती है ये जी जी। और मजहर भाई माशाल्लाह बहुत बड़े शौकीन है और वो नायाब चीजें ही रखते हैं अपने घर के ऊपर। ये तो उनसे तोहफा आया अपने को जी जी। और ये दो बच्चे आके आपके यहाँ पर दी? हाँ अभी जस्ट 2 दिन के बच्चे है ये। और ये किससे लोड होके आई थी? ये अजूबा का एक बेटा था, सदर नाम रखा है उनका, सदर सदर जो अभी मजहर भाई के पास ही है लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं किया उसका जी। और उसके बच्चे हैं ये दोनों, अभी जस्ट 2 दिन के पहले बच्चे दिए ये। तो एक बार मैं आपको सदर का रिजल्ट बता देता हूँ करीब से, और बहुत देखने लायक बात है, मैं तो सदर को देखा नहीं, आप तो देखे होंगे जी। मैं देखा, क्या कलर में सदर? सदर अबलक कलर में है ना, एक बच्चा आया पूरा जैसे व्हाइट, पूरा व्हाइट, एक आया नासी अबलक के अंदर जी, और हल्का आई थिंक कोला कलर भी है, पर ये बच्चा है अभी, वक्त के साथ में कलर चेंज भी होते हैं इंशाल्लाह जी। वाह, ये बच्चे को थोड़ा और दिखाओ बेटा, ऊपर लो साइड में दिखाओ, छोड़ दे, देखो आप देखो, ये फीमेल है ना? ये फीमेल है और वो नासी अबलक मेल है, ये मेल है जी। तो इसका पट्टा पकड़ बेटा, ये बकरी का पट्टा खाली पकड़, पट्टा पकड़ खड़ा है बस, चलेगा। बकरी को जान दो, ले जाओ, बच्चे दिखाते हैं, खड़ी है चलेगा। तो अभी ये जो बकरी है इसको अपने आजाद से लोड करा, अभी आजाद से इंशाल्लाह उसका आजाद पे रिजल्ट लेंगे उसका। और बच्चे तो इतने छोटे हैं तो बेचने नहीं, वो तो ये वैसे भी ये अभी थोड़ा रखने का इरादा है बच्चों को, देखेंगे ना कि सदर की हाँ जो लाइन है वो कैसी है जी, क्या है, वो सारी चीजें जानेंगे ठीक है। माशाल्लाह भाई बहुत क्वालिटी मेल दिख रहा है मेरे को जी। ये किसका रिजल्ट है? ये अपने इसके आगे जो बकरी बताई थी ना, जो बहुत अच्छे बच्चे डालती है, बोला था 3 बार बच्चे डाले, उसका बच्चा है ये और ताज का बेटा है। ताज का रिजल्ट है, ये मैंने रोक के रखा है अपने लिए। सही, सो फॉर फ्यूचर ब्रीडर के हाँ इंशाल्लाह। सही है, क्या डिटेल पे वैसे और क्या उम्र का है ये? अभी ये 9 महीने के करीब इसकी उम्र है, 9 मंथ्स का जी। और कान नापे नहीं है आसिम भाई, लेकिन 18 समझो, 18+ है ना, 18 लगभग होंगे हाँ। और चकलान भी देख लो, और गुलाबी है जी, पूरा गुलाबी है। और कलर तो मेरे हिसाब से ना के बराबर है जी, सिर्फ पैरों पे आप देख पाएंगे, बाकी पूरा और पूरा इसमें पतीरे की तरह एकदम गुलाबी है, कोई भी छाट नहीं है जैसा बोलते हैं पतीरा में। इसका नाम क्या रखे आपने भाई? अभी नाम नहीं रखे है, अभी आपसे मशवरा करके इंशाल्लाह इसका नाम सोच के रखेंगे। तो ये फ्यूचर ब्रीडर है अपने फार्म का जी इंशाल्लाह। चलिए तो छोड़ो इसको, इसके लिए आप कॉन्टेक्ट ना करें दोस्तों, ये सिर्फ एक शो क्वालिटी आपको बताई जा रही है। बस 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 बस, बहुत गुस्से वाला है, गुस्से वाला की मोहब्बत कर नहीं यार, इतना शांत है ये, इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, प्लेफुल है, प्लेफुल।
जी चलेगा। तो दोस्तों आप लोग भी सजेस्ट करें इसके लिए नाम कमेंट करके इंशाल्लाह। इसके फादर का नाम बता दो एक बार लोगों को। ताज। ताज है ना? जी। तो लोग वो हिसाब से कुछ जोड़ के नाम रख सकते हैं। जी जी चलेगा भाई। दोस्तों एक और रिजल्ट देखिए आप, ये भी ताज का ही रिजल्ट है ना भाई? जी ये ताज का ही रिजल्ट है। और इससे पहले जो ये जो बकरी जो आगे जो बकरा गया ना उसका ये भाई है, लेकिन पहली बार दूसरी बार का है, मतलब वही बकरी का है। ये भी फुल सुप्रीम क्वालिटी में। कुछ लोग अगर वीडियो अपना वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ताज के बारे में लोगों को बताओ एक मिनट। ताज एक लाइन से हो? ताज अंबर लाइन से आता है। और सॉरी अनमोल, अनमोल लाइन से आता है, अंबर नहीं अनमोल लाइन से आता है वो। और अभी जो फिलहाल वो राजस्थान में है और 21.5 की चकलान, 21 लंबान है और 8.5 चकलान है उसकी, और फुल पंच के अंदर पूरा व्हाइट गुलाबी में है और काफी उम्दा उम्दा बच्चा बहुत है उसका रिजल्ट माशाल्लाह। मेरे खुद के पास कम से कम 5-6 बकरियों का रिजल्ट है, और आगे भी हमारे जो भाई फारूक भाई थे उनके पास भी काफी रिजल्ट है। उनके पास तो काफी रिजल्ट है। तो ये बच्चा भी एक है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो देंगे एज अ ब्रीडर आगे के लिए? इंशाल्लाह देंगे। पंच भी देख लो उसका, चेहरा बना रहा है, व्हाइट आइज में अभी तो छोटी उम्र का बच्चा है जी। पर एज अ ब्रीडर अगर कोई इसको संभालता है आगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। चलेगा भाई। माशाल्लाह दोस्तों एक और बच्चा दिखा रहे भाई, ये भी होम ब्रीड का है भाई? हाँ मैं गाभिन बकरी लाया था उसका, यहाँ पे अपने वहाँ पैदा हुआ ये बच्चा। सही है जी। उसकी लाइन वगैरह के बारे में मालूमात है आपको? अच्छी लाइन का है, उसकी एग्जैक्ट लाइन पता नहीं, और अगर एग्जैक्ट पता होता तभी मैं बोलता हूँ, नहीं पता होता तो ऐसे हवा वाली लाइन नहीं बोलते। वो बोल के मतलब भी नहीं। हाँ वही, आजकल तो पूरा पेडिग्री सिस्टम चल रहा है हैदराबाद में। जी चिप वगैरह इंसर्ट कर रहे हैं। इसके कान की क्वालिटी और चेहरा ऐसा बोलता है कि अच्छी लाइन का बच्चा है ये। सही है, गुलाबी नोज के अंदर है जी, व्हाइट आईज है। तो ये आप सेलिंग करेंगे इसको? हाँ इंशाल्लाह कर देंगे। है ना, क्या उम्र हो गई होगी इसकी? अभी ये 3.5 महीने का है। आप अगर सही बोल रहे हैं तो बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत ही अच्छा ग्रोथ लिया है जी माशाल्लाह। इसके इसका एक भाई था उसके साथ में, वो सेल हो गया, व्हाइट में था और अभी ये है मेरे पास। दोस्तों अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, और पता नहीं वीडियो में तो कभी कभी चीजें बड़ी छोटी भी लगती होंगी, पर मैं अपनी नेकेड आई से बता सकता हूँ ये दिखने में तो मेरे को लग रहा है 6 महीने के ऊपर का बच्चा, लेकिन भाई गारंटी से बोल रहे कि वो 3.5 महीने का है ना भाई? हाँ बस 3.5 से 4 महीने के करीब है, यानी 4 महीने में कुछ दिन कम है, इसके लिए मैं 3.5 बताया। तो ऐसे बच्चे अगर आगे ग्रोथ के लिए पाले जाएं तो बहुत उम्दा रिजल्ट दे सकते हैं। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत उम्दा चीज है भाई माशाल्लाह। तो ये भी दे देंगे इंशाल्लाह, दे देंगे स्क्रीनशॉट भेजेंगे लोग। हाँ और आप इसका प्राइस बता देंगे? ठीक है इंशाल्लाह। और मेरी ये व्यूवर्स जो आपके हैं माशाल्लाह, आपके तो बहुत ज्यादा व्यूवर्स हैं और बहुत आपका पूरे इंडिया में नाम, पूरे वर्ल्ड में नाम है, जो खरीदने वाले लोग हैं वही फोन करें, ज्यादा ज्यादा टाइम पास करने वाले लोग प्लीज ना करें जी। मैं थोड़ा इसको और सही वे में बोल दूं जी, कि भाई के दूसरे भी काम रहते हैं जी जी, ठीक है। आप ज्यादातर क्या करें, इनको व्हाट्सएप कर लें जी, व्हाट्सएप के ऊपर रात में शाम में फोन कर लेंगे। और मेरी एक इंस्टा आईडी है मुन्ना मिर्जा 7, मुन्ना मिर्जा 7 जी, ठीक है, उसको फॉलो कर लीजिए जी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9898321200, ठीक है। और अपना ये एड्रेस क्या, अगर कोई आना चाहे तो? ये एड्रेस हमारा पड़ता है जम्बू सर। हाँ और जम्बू सर बस स्टॉप के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे है अपना। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भरूच है? भरूच है और बड़ौदा, दोनों सेम है, दोनों 45-45 किलोमीटर। अच्छा जी, अगर कोई दोनों जगह से आ सकता है, दोनों से आ रहे हैं तो अहमदाबाद से भी आ सकते हैं, बॉम्बे से भी आ सकते जी जी जी, काफी आसानी हो जाएगी जी। और थोड़ा इसके पास आओ ना, और बात रही इनसे खरीदने की, तो आप एकदम इजीली परचेस कर सकते हैं, काफी ट्रस्टेड पर्सन है और खुद गोट फार्मर है, ऐसा नहीं कि कहीं से ला के बस बेच रहे हैं आपके लिए। ट्रेडिंग का काम नहीं करते, ट्रेडिंग का काम नहीं है जी। ये आप खुद सोच सकते हैं कि इतने साल में आज ये दूसरा ही वीडियो हम लोग बना रहे हैं इनका, तो आप खुद सोच सकते हो ये बात जी कि ट्रेडिंग नहीं करते, सेलिंग इनकी साल भर चलती रहती है। और इनको इंस्टा पे जरूर फॉलो करो, मुन्ना मिर्जा 7 जी, ठीक है। तो इनका फोटो वगैरह आपका ही आएगा? हाँ मेरा फोटो है, फार्म का और मेरा फोटो है। सही है, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नवाजा है इसे बेहतरीन तौर, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हम लोग दुआ करेंगे आपके लिए भी और इनके लिए भी इंशाल्लाह, आपके आपके आजाद के लिए भी जी इंशाल्लाह, सेहतमंद रहे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह भाई। तो एक साथ देख सकते हैं आप लोग, सब बकरे बकरियां सब बाहर आ गए माशाल्लाह जी। मेरा एक सवाल है, लास्ट टाइम भी
बताए थे आपको ऐसे, और अच्छा भी लगता है देख के कि आपकी सब बकरियां बहुत हेल्दी हैं जी माशाल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह क्या ना, अभी नए लोग भी देखते हैं वीडियो को, आप क्या देते हो थोड़ा प्लीज एक बार बताओ। देने में तो तीन तीन टाइप का उनको जो हम लोग गोतर बोलते हैं भूसे, वो जो अना ये जो रहता है ना तुअर का पाला भूसा, भूसा मूंगफली का, मूंगफली का भूसा और मठ का भूसा गोतर, और यही देते हैं। और सुबह में एक बार अनाज देते हैं। अनाज में क्या देते हो आप भाई? अनाज में चना, गेहूं, मग, ये तीन चार अनाज जो है उसको रात भर भिगा के सुबह में खिलाते, कच्चा नहीं खिलाते। और कम क्वांटिटी में देते होंगे ना? एक बकरी को समझो 250 से 300 ग्राम बस, उससे ज्यादा नहीं। और जो ब्रीडर है उसको दे सकते हैं थोड़ा ज्यादा, 500 ग्राम के ऊपर दे सकते हैं जी। और कोई स्पेशल टेक्निक जो आप लोगों से शेयर करना चाहो नए लोगों से? सबसे मतलब क्या है ना, मैं आपसे फिर इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ, पूछ रहा जी, क्योंकि सामने रिजल्ट है ना, कोई भी बकरी दुबली नहीं है, बच्चे देने के बाद भी सही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। असीम भाई इसमें मेन मेरे को तो टॉनिक नहीं, टॉनिक तो कोई नहीं देते, बस तीन दिन जो महीने में तीन दिन जो है वो लिवर टॉनिक देते हैं और तीन दिन कैल्शियम देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और सबसे मेन बात जो है ना साफ सफाई है, जितनी सफाई होगी उतना जानवर अच्छे से उसका अनाज भी जो खिलाते हैं उसको लगता है। और एक और सवाल है, छोटे बच्चों का माँ के साथ छोड़ देते हो कि अलग पिंजरे में रखते हो? मैं अलग पिंजरे में रखता हूँ 12 दिन तक, 12 दिन के बाद फिर उनको नीचे छोड़ता हूँ, 12 दिन से पहले जमीन पे उनको नहीं छोड़ते। सही जी, फिर उसको दूध पीने के लिए छोड़ते हो, अलग करते हो? हाँ, बॉटल फीड करते हो? नहीं, माँ का दूध पिलाते, अगर नहीं आया तो ही बॉटल का पिलाते जी। उसके बाद में माँ के साथ ही, माँ के साथ ही रखते जी 12 दिन बाद जी, बाकी फिर वैक्सीन स्टार्ट कर देते जी, जैसा जैसा वैक्सीन कर जी। चलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरी टीम का जो मेहनत करी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबका साथ फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, फिर वीडियो खत्म कर, ठीक है, ठीक।